आज हमारे साथ मधुलिका जी हैं, जो फूड कॉलमनिस्ट हैं, फूड हिस्टोरियन हैं। अनुभव, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। अनुभव को हम काफी सालों से जानते हैं, ये इनका काम सराहनीय है। और आप तो उड़ीसा भी आए हैं, आपने उड़ीसा को मेरे साथ इक्वल कवरेज दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अनुभव, आपके क्लेवरनेस की मैं दाग देती हूँ। आपने मेरा वो आर्टिकल उठाया है जो मैंने तहा जिंदगी सिर्फ दो ही किए हैं, दो या तीन की है। आपने रसगुल्ला और इन सब पे बिल्कुल नहीं तवज्जो देने की कोशिश की, जो मैंने काफी लिखे हैं। मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट थी काफी सालों से। फूड में आना मेरा इसलिए हुआ बिकॉज जर्नलिज्म में एक पड़ाव के बाद यू रियलाइज कि यू कांट बी इन फीचर राइटिंग फॉर योर एंटायर लाइफ, आपको कुछ और करना पड़ता है। और मेरा पड़ाव वो 2012 को आया, जब रिसेशन आया था। एंड लाइक मोस्ट जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, इवन आई लॉस्ट माय जॉब। एंड काफी सारे महीनों तक हमको ऐसे ही बैठना पड़ा बिकॉज हम मिड लेवल पे आ गए थे। मिड लेवल से लेके अपर लेवल तक आपको जॉब्स बहुत कम मिलते हैं, और आपको एक अजीब सी आदत हो जाती है एक सर्टन काइंड ऑफ वर्क कल्चर में रहने की। तो तब हमने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की थी, और हमारे जो पिताजी थे तब हमें उनका एक बहुत अच्छा लेसन याद आया। ही सेड कि यू शुड डू, व्हेन यू स्टार्ट ऑन योर ओन यू शुड डू द थिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट। कि आप फ्री में भी करेंगे तब भी आप ये वर्ड बिकॉज नहीं यूज करेंगे। और मेरे पास जिंदगी में एक ही चीज थी जिसमें मैंने महारत हासिल की थी, जो है खाना। मैं आज के डेट में, अभिनव आपने भी, हम लोगों की सबसे बड़ी पीएचडी खाने पे है। हम बचपन से खाते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं। एक एवरेज इंडियन अपने लाइफ टाइम पे कम से कम, नहीं तो 1340 डिफरेंट किस्म की डिशेस खा चुका होता है, इवन इफ ही इज अ वेरी कॉन्जर्वेटिव वन। अब आती है उस आर्टिकल के बारे में जिसके लिए आपको, मतलब पूरे भंडार से आपको वही चीज मिली, अलादीन का जी चिराग जी पान। उसके बारे में थोड़ा सा अभी रुक के बात करेंगे। पहले मैम, एक दो चीजें और मैं जानना चाहता था आपसे। जैसे आपने बताया कि आप जर्नलिज्म में थे, उसके बाद आप फूड राइटिंग में आए। कि मतलब नॉर्मल, जैसे हम लोग तो नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आजकल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, ब्लॉग्स, उसमें भी पढ़ते हैं फूड आर्टिकल्स, मैगजीन्स में भी पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों जो भी ये हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं? मतलब फूड कॉलमनिस्ट, फूड राइटर, फूड जर्नलिस्ट, ये इन तीनों के क्या मतलब? मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि मुझे बोलता है कि दैट पर्सन इज अ नहीं, फूड हमें राइटर। अभिनव, आपकी ख्याति हमें काफी बार मिली है। हमें बहुत सारे फोरम्स में फूड ब्लॉगर करके इंट्रोड्यूस किया गया है, तो शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए। जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो पैशनेट राइटर्स होते हैं। उनको वो दिन में कुछ भी करें, इट इज देयर साइड पैशन विच दे हैव टेकन अप एंड दे आर स्पेशलिस्ट। मतलब एक चीज में वो स्पेशलिस्ट हासिल कर चुके हैं, उसी चीज को कवर करते हैं। और उनका एक अपना स्टाइल है। जो जर्नलिस्ट होते हैं या आगे चल के कॉलमनिस्ट आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। कॉलम आपको तभी मिलता है व्हेन यू हैव समथिंग टू से, या आपकी आपके ओपिनियंस को उतना, उसमें उतना भार है, यू हैव दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो दे आर फूड कॉलमनिस्ट। वो ब्लॉगर भी बन सकते हैं, राइटर्स भी बन सकते हैं, शेफ्स भी बन सकते हैं। सो उसमें वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके आपको वो सम्मान में आता है। फूड कॉलमनिस्ट आर पीपल हु हैव स्पेंट इफ नॉट मोर मिनिमम ऑफ 10 years अंडरस्टैंडिंग देयर फील्ड। दे आर पीपल हु आर कॉल्ड फूड कॉलमनिस्ट। फूड हिस्टोरियन अलग हट जाते हैं। मैं फूड हिस्टोरियन बाय रिसर्च हूँ और बाय द हैबिट ऑफ ईटिंग हूँ, कि मैं इतना खाना खा चुकी हूँ बिकॉज मेरे पापा आर्मी में थे, तो हमारी ट्रेनिंग काफी पहले से शुरू हो गई कि हर तरह का खाना खाना चाहिए। सो दैट हैज अलाउड मी टू बिकम अ बेटर फूड राइटर, क्योंकि मेरा पैलेट बहुत ओपन है। मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करना इज वेरी इजी फॉर मी। मेरे सर पे, आपके पास अगर दाल मखनी आती है तो आप दाल मखनी का एक इमेज लेके चलते हैं, मेरे सर पे वो इमेज ही नहीं है। मैंने कम से कम 50 डिफरेंट टाइप की दाल मखनी खाई है। एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, क्योंकि वो घरों, हवेलियों और जमींदार और खेतों में खाई है। तो
कह ही नहीं पाऊंगी कि ये ट्रेडिशनल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। काफी पंजाब में खाई है, काफी उन लोगों से खाई है जो 4 जनरेशन पंजाब के ही हैं, मुल्तान से आए हैं वो भी बनाते हैं, फिर सोलन वगैरह से भी खाई है। तो माय ब्रेन इज ओपन, मेरे पास इमेजरी नहीं है। आप कल यहाँ भी आए, मैं दिल्ली भी जाऊँ, अगर आप मेरे को आलू चाट खिलाएं जो मेरा मतलब बचपन से फेवरेट है, मैं कहीं से भी उतर जाती हूँ अगर आलू चाट दिख जाए तो। उतना क्योंकि दिल्ली की पड़ी बड़ी हूँ तो दिल्ली में जो भी पड़ता है ये वाली आदत तो लगी जाती है। और दूसरा है सेक्टर 8 के क्रीम रोल्स की, तो मैं उतर ही जाती हूँ। तो उसको भी लेके मेरे दिमाग में आज भी, आप बोलेंगे कि आपके घर से आलू चाट आप बना के दे रहे हैं अनुभव, मेरे में थैंक्स टू माय पेरेंट्स आई हैव दैट एबिलिटी टू अप्रिशिएट योर आलू चाट फ्रॉम द आलू चाट व्हिच प्रोबेबली आई यूज्ड टू हैव नॉस्टैल्जिक वाइज इन फ्रंट ऑफ माय कॉलेज। अब आती है ब्लॉगर्स और राइटर्स की बात। राइटर्स ट्रेन्ड होते हैं, दे आर लाइक शेफ्स, हमको अलर्ट थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल्स हमको थ्रू आउट आर जॉब मिलता रहता है, सो वी कैन स्टडी अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड एनालाइज इट बेटर। ब्लॉगर्स जो होते हैं उनमें भी ये स्किल होती है, बट इट इज नॉट ऑन अ ट्रेनिंग लेवल, इट इज द सेम डिफरेंस जो एक कुक और एक शेफ में होती है। द शेफ कैन मैनेज, इवन इफ ही डजंट नो अ क्विजीन, ही कैन स्टिल रन अ किचन, बट अ कुक नीड्स टू नो द क्विजीन टू कुक इट टू स्टार्ट विथ, ही नीड्स टू हैव दैट स्किल्स। तो वही मोटा मोटा वही डिफरेंस है कि हम राइटर्स हैं, हम ट्रेन्ड है, हमको बताया जाता है कैसे लिखना है, कैसे रिसर्च करना है, किस लेवल पे जाके आप उसे फैक्ट मानते हो, हाउ टू नगेट थिंग्स। जबकि ब्लॉगर जो है वो ये पूरा जर्नी, पूरा रास्ता तैयार करता है अपने आप। इवेंचुअली बोथ ऑफ देम कोइंसाइड एट वन प्लेस। जैसे आज के डेट में अनुभव, आप और मैं सेम लेवल पे बैठे हैं जहाँ पे फूड की बात है। आपने अलग रास्ता से तैयार किया है, मैंने अलग से तैयार किया है, जाके हम वहीं बैठेंगे। बट फूड ब्लॉगर्स जो है उनका एक फोटे होता है, फूड राइटर्स का फोटे नहीं होता है। वी आर सपोज टू राइट ऑन एवरी टॉपिक अंडर द सन, वी कैन नॉट से, जैसे आपका टॉपिक है आप हर छोटी जगहों को खोज के निकाल देते हैं और वहां जाके बकायदा खाते हैं। हम उस जगह के बारे में लिख सकते हैं बट हमारा जरूरी नहीं कि हम वहां जाके खाएं। सो दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन टू पीपल। आपके स्किल्स अर्नड है, हमारे स्किल्स काफी हद तक टॉट है, हमको किसी और फील्ड से मिलता है। सो आई वॉज अ हेल्थ जर्नलिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आई वॉज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेक जर्नलिस्ट फॉर सम टाइम। तो सारे स्किल्स आई टुडे यूटिलाइज इन डूइंग फूड स्टोरीज, क्योंकि इवेंचुअली हम उसी लेवल पे आके बैठ जाते हैं। आपकी जो स्टोरीज होती हैं, आप जो कहानियां सुनाते हैं थ्रू योर वीडियोस, दे एट टाइम्स आर मोर एंटाइसिंग जो मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे वो माहौल पैदा करना पड़ता है, आप वो माहौल दिखा देते हैं। तो दैट इज वॉट कमिंग टूगेदर, वॉट आई मेंट बाई कमिंग ऑन द सेम लेवल, बट रस्ते अलग अलग है। तो मैम हम लोग जो जैसे आपके आर्टिकल्स, मैं सिर्फ अभी पान के पे आगे आऊंगा, मतलब आप मुझे कृपया करके मैम ना एड्रेस करें, मेरा नाम मधुलिका है। मधुलिका अच्छा रहेगा अनुभव जी, नहीं तो मुझे आपको सर बोलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अब अच्छा मैम नहीं बोल के मधुलिका जी बोलता हूँ। ठीक है अनुभव जी, आपको तो जी बनता है, आप तो यहाँ से अवार्ड लेके गए हैं आउटलुक टूरिज्म का। जी जी हाँ, मतलब ओडिशा मेरा, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, थैंक यू। मतलब ओडिशा से तो मेरा काफी कहें कि जब मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी शुरू की तो पहला स्टेट मैं ओडिशा गया था, और उसके बाद अब पिछले 3 सालों में लगभग काफी स्टेट्स, मतलब ओडिशा से काफी ज्यादा अटैचमेंट है हमारे साथ में। हमारे टीम में भी एक जो एसोसिएट है वो भी उड़ीसा से है, तो काफी अटैचमेंट रहा है उड़ीसा से। तो मैं चाह रहा था कि जैसे अगर आपके जो आर्टिकल्स होते हैं और इतने डिटेल्ड, वो उसके पीछे काफी मेहनत जाती होगी, काफी रिसर्च जाती होगी एक जगह के बारे में। जैसे हम लोग, मैं जाता हूँ अगर अपने शो के लिए तो बिल्कुल एक ब्लैंक माइंडसेट से जाता हूँ, मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं होता कि कहाँ जा रहा हूँ, बस वहां पहुंच के बात की। और अभी तक मुझे 24 स्टेट्स में गया हूँ, 3.5 साल लगभग हो गए होंगे इतनी जगहों जाने में, लेकिन कहीं भी मैंने आज तक एक भी स्क्रिप्ट नहीं किया, सीधे वहां पहुंचा हूँ और पहुंच के देखा, फर्स्ट हैंड फर्स्ट बार खाया, एक्सपीरियंस किया और फिर वहीं बताया। तो राइटिंग में
काफी ज्यादा रिसर्च जाती होगी, तो कैसे अप्रोच करते हैं कोई भी टॉपिक? जैसे आपने आज ओनम के बारे में लिखा, ओनम साध्या के बारे में, तो कैसे अप्रोच करते हैं? क्योंकि इतने डाइवर्सिटी पे आप पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी फूड के बारे में लिखते हैं अलग अलग तरीके से। आप में और मेरे में एक बहुत अच्छी चीज है, आप लिखना शुरू किसी के ऊपर करते हो जिज्ञासा के साथ। क्यूरियोसिटी इज व्हाट बेल्स द कैट, दे से फॉर इंग्लिश राइटर्स। मेरे में क्यूरियोसिटी बहुत है और मैंने हर जगह ना खुद खाया है। पहले मेरे ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा जो मैंने जिंदगी में एटलीस्ट 6 बार नहीं खाया, क्योंकि 6 बार से ज्यादा खाओगे तब तो आपको समझ आती। एंड उसके ऊपर ब्लेसिंग ये है कि इतने लोगों को मैं मिलती हूँ, जैसे आप भी बहुत लोगों को मिलते हो, और आपने तो 24 स्टेट कवर कर रखा है। मैंने अपने लाइफ टाइम में, थैंक्स टू माय डैड एंड अदरवाइज, मैं आपसे कम से कम 8-9 स्टेट पीछे हूँ अभी भी। बट खाया हर जगह है, मतलब कोई कुछ खाने को बोले तो खाया बहुत है। तो इनिशियल फेजेस में वही काम आता है, बिकॉज आप जिसका टेस्ट नहीं जानते हो आप उसके बारे में नहीं लिख पाओगे। जैसे पर्सनल लेवल में ना मुझे फाइग्रा पसंद है ना मुझे कावियार पसंद है, बट खाया वो दोनों भी है हमने, क्योंकि हमें जानना होता है कि है क्या, क्योंकि पता नहीं कल कहाँ लिखने को आपको उसको लिखना पड़े नहीं लिखना पड़े। बट स्टोरी टेलिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो आपने जैसे कहा कि आप हर स्टेट में पहुंचते हो और वहां पहुंच के आप देखते हो कि एज फ्लो हैपेंस, दैट इज द बेस्ट वे टू गो। सेकेंड है, हर जगह जाके खाना चाहिए, और एक खाने को आपको कम से कम 6 बार खाना चाहिए टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पहली बार आप सिर्फ जिज्ञासा में खा रहे हो, तो 6th टाइम खाते हो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ खाते हो, तब जाके आपका टेस्ट डेवलप होता है। तो आज के दिन में अनुभव, अगर आपसे मैं पूछूं कि सदिया में आपको कौन सी 4 चीजें पसंद है, अपलम और पिकल्स को छोड़ के, आप मेरे को बता देंगे। आपने इतने बार खाया होगा, हर तरह का खाया होगा, और जब आप ज्यादा खाते हैं तो आप उसके वेरिएशंस भी खाते हैं, क्योंकि सदिया में नॉनवेज भी आता है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस जो नॉनवेज भी देते हैं, बिकॉज सदिया इज नॉट लाइक टेम्पल फूड। हमारा अभड़ा जो कहते हैं उड़ीसा का, विच इज टेम्पल फूड, सदिया इज नॉट टेम्पल फूड, सदिया इज बैंक्वेट ऑन अ बनाना लीफ। इट शोज हाउ 26 डिशेज आर ऑन अ बनाना लीफ। तो आप उसमें वेरिएशंस मिल जाएगा आपको। अगर आप कल यहाँ भी आए तो पुरी के पास ही एक मंदिर है जहाँ पे आपको मच्छी प्रसाद में मिलता है, वहां भी थाली बनती है। तो अगर आप वो खाएंगे तो आपने ना सेकेंड वाली थाली खाई है, उसको सेकेंड गिनते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ 6 बार सदिया खा लिया तो आपको समझ में आ गए, 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सदिया में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उसके बाद थैंकफुली हमारे कंट्री में बहुत लोग हैं जो अपने खाने पे काम कर रहे हैं, शेफ्स हैं, जो जैसे सब्यसाची गुराई है, विकास सेठ है, निमिष भाटिया है, जिनको जिन्होंने बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। एंड उसके बाद आप चले जाते हो कहानियां ढूंढने, वो मेरा काम है। ये सब स्टेज को क्लियर करने के बाद मैं कहानियां ढूंढने जाती हूँ, और उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आई वॉज अ हेल्थ जर्नलिस्ट फॉर अबाउट 10 ईयर्स, 12 ईयर्स रादर, एंड आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली। तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो मयूरभंज किंग के चिकित्सक थे या वैद्य थे, और हमारे ग्रैंडफादर आते आते वो उनके खाने के मिनिस्टर हो गए। तो वो हमें हेरिटेज में मिली है, दैट्स माई लेगेसी। माई फादर वॉज अ डॉक्टर, माई अंकल इज अ डॉक्टर, माई आंट इज अ डॉक्टर, तो बहुत लोग डॉक्टर है। तो हमारे घर में खाना की तुड़ाई, एंड सारे फूडी हैं, तो खाने की तुड़ाई भी होती है और अप्रिशिएशन भी होती है। और हमारे पिताजी ने उनके एंटायर करियर में कॉमन कोल्ड, स्टमक एक, स्टमक इश्यूज, फीवर और फ्लू, नॉर्मल फ्लू, उन्होंने खाने पे ठीक किया है। जुकाम है, धूप में बैठो, ऑरेंज खा लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। मेडिसिन भी ऐसे देते थे कि ये मेडिसिन लेंगे तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ऑरेंज खाएंगे धूप में बैठ के और खिचड़ी खाएंगे तो 14 दिन में ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का दिमाग बाटा की तरह चलता है, 999 चीप लगता है हमें। सो
लोग मेडिसिन लेते हैं 2 हफ्ते का, और ये मान्यता है, आप मेडलाइन को भी अभी देख लीजिए, कि मान्यता है कि कोई भी जुखाम आपको, अगर आप विटामिन सी शुरुआत से खाएं धूप में बैठ के, क्योंकि विटामिन सी को विटामिन डी की जरूरत होती है, ये दोनों अगर आप एक साथ खाएं, आपको क्रोसिन वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं होती है। तो हमारे घर में खाने का चलन बहुत पुराना है, हर चीज खाने पे ठीक होती है, यहाँ तक कि उदासी जो होती है वो भी खाने पे ठीक होती है। हमारे घर में 12 तरह की तो खीर बन जाती है, और पूरे इंडिया में अगर आप ध्यान से देखें, अनुभव आप मुझे को यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, लड्डू खीर हलवा इन सबके पीछे द रीजन की इतने सारे वेराइटीज हैं, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट को किसी ना किसी तरह से चेंज किया गया है ताकि वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो इजीली और आपको ठीक रखे। हलवा बच्चों को देना स्ट्रेस कम करने के लिए, ये बहुत पुरानी विधि है जो आज तक चली आ रही है। और अगर आप कुछ महीने पहले का न्यूज देखें तो हमारे यहाँ पे जो तुरानी है, आप तो पखाड़ा खा के गए थे यहाँ पे, तो तुरानी इज नॉट ओनली टू टेक हीट, जो सत्तू काम करती है बिहार की, वो हमारी तुरानी कर जाती है यहाँ पे। आज के डेट में इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड एंटीडोट टू एनी इन्फ्लेमेशन, यानी कि वो कोविड से भी आपको कई हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है जस्ट बाय हैविंग इट। दवाइयों की तो हमें जरूरत ही नहीं है, बट हाँ सबसे ज्यादा काम अगर आप मेरे को रिसर्च में कहते हैं वो है स्टोरीज लाना, जो छोटी छोटी स्टोरीज हमारी दादी नानी परदादी ये सब बताते थे, या फिर जो आपको सब्जी वाली बाई आती थी सब्जी बेचने, वो जब बताती थी, वो अब ना कहीं अनुभव कहीं हो गए हैं हमारे लाइफ तो, और वहीं से मेरे आर्टिकल्स का जायका निकलता है। उससे नहीं निकलता कि मैं उसमें हेल्थ डालती हूँ टेक्निक डालती हूँ, वो जायका वो स्टोरीज का ही निकलता है। और आपके शो का भी शायद जायका वही है कि आप जहाँ बैठ जाते हैं वहां पे एक स्टोरी पक्का सुनाते हैं। जी जी कोशिश रहती है, नहीं उसी के ऊपर चलता है, बिकॉज स्टोरीज नहीं होंगे तो कोई जाएगा नहीं, कोरिलेशन तो मिलता नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड में कोरिलेशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो और कहानियां आर्टिकल्स हो आपके शोज हो, इनमें कहानियां नहीं हो तो रिलेटेबिलिटी हम नहीं ला सकते। रिसर्च का सबसे अहम हिस्सा और सबसे मजेदार हिस्सा कहानियां सिलेक्ट करना है, और उसमें कौन सी कहानी अपील करेगी लोगों को या कौन सी कहानी फैक्चुअल है वो डिटरमाइन करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैम एक था कि आपकी मतलब ऐसे ही सवाल आया कि आपकी फेवरेट, इतने सारे आपने आर्टिकल्स कॉलम लिखे हैं, आपकी सबसे मतलब पसंदीदा कौन सी है, सबसे आप कहें फेवरेट आर्टिकल कौन सी है, और सेकेंडली सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा, इतने सालों का सफर है आपका फूड राइटिंग में। मेरी सबसे पसंदीदा स्टोरी आज के डेट में भी एक आर्टिकल है जो मैंने देवदासियों के ऊपर लिखा था। इसको रिसर्च करते हुए मैं काफी दूर तक गई थी, मैं आखिरी देवदासी से मिलने गई थी, बस कुछ 1-2 दिन की देरी हो गई, शायद मेरा सबसे कठिन आर्टिकल वही था। सबसे पसंदीदा आर्टिकल आज भी वही स्टोरी है जहाँ पे मेरे को बहुत सारे शेफ्स थे ना, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती है इकट्ठा होने की। तो जितना मैं स्टोरीज लिखती हूँ उसमें कभी कभी आपको एक स्टोरी मिल जाएगा जहाँ पे 5-6 शेफ्स एक साथ अपनी बचपन की कहानियां बता रहे होंगे, फिर उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, बिकॉज जब शेफ्स लोग अपनी बचपन की कहानियां बता रहे होते हैं तो बचपन की कहानियों के साथ और कुछ भी आपको दे जाते हैं जो उनको नहीं पता होता। सबसे मजेदार वो लगता है करने में। सबसे चैलेंजिंग कौन सा आर्टिकल रहा है, मैंने बहुत पहले एक चपाती के ऊपर आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के, और मुझे याद है जब मैं ये आर्टिकल लिख रही थी हम बॉम्बे में किसी दोस्त के रेस्टोरेंट में बैठ के ये आर्टिकल कर रहे थे, और आसपास सभी बात कर रहे थे, तो किसी ने मुझे पूछा तुम किस पे आर्टिकल कर रही हो, तो मैंने कहा रोटी और उसकी ओरिजिन में। उसने कहा कि इसमें क्या कहानी है, मैंने कहा ऐसा हमारा मान्यता है कि रोटी हमारे पास बहुत पुरानी है, रोटी हमारी सबसे पुरानी फ्लैट ब्रेड नहीं है, हमारे पास मालपुहा है भी है कचौरी है उसके बाद पराठा है उसके बाद रोटी आई है,
स्कूटी बहुत यंग है, मतलब करीना कपूर के लेवल पे है, अगर पूरी हमारी वैदा रहमान के लेवल पे है। तो मैंने कहा रोटी, तो कहते इस पे कोई आर्टिकल पे पढ़ेगा। ट्रस्ट मी अनुभव, मुझे वो आर्टिकल करने में बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज आज तक मैं, हमारी जो चपाटी मूवमेंट थी, अंग्रेज छोड़ो हिस्टोरियंस छोड़ो, आज तक मैं भी नहीं डिस्कवर कर पाई कि वो चल क्यों रहा था वो मूवमेंट। और वो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था 1857 के बाद भी। अगर आप खाना ऐसे घुमा ले जाए तो अंग्रेजों की सिटिविटी गुम हो जाती थी। तो आज भी मैं उसे रिजॉल्व नहीं कर पाई, बट वो आर्टिकल जो था बहुत फेमस हुआ। मतलब उस आर्टिकल के ऊपर आज भी लोग मेरे को कहते हैं कि हम वो आर्टिकल पढ़ते हैं और खड़े खड़े खाली गरम रोटी ऐसे रोल करके खाते हैं या चीनी लगा के खाते हैं। आई डोंट थिंक देर इज अ बिगर कॉम्प्लीमेंट फॉर अ राइटर, अगर मैं आपको लिखने पे खाना खिला जाऊं, लाइक दिखा के खाना खिलाना अलग बात है, जी बट लिखने पे आपको खाना खिला जाऊं, वो भी आप एक नहीं 5-6 रोटियां खा जाते हो पढ़ने के बाद, तो आज भी उसी से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो वो एक स्टोरी है जो बहुत दिल के करीब है और देवदासी की स्टोरी करीब है, बिकॉज इसमें मैंने बहुत मेहनत की थी, और इसलिए भी करीब है बिकॉज उसमें लोगों ने कहा कि ये होगा नहीं, इसमें कुछ है नहीं, इसका आर्टिकल कैसे तैयार करो। तो दैट वाज अ चैलेंज। और उसके बाद से आई थिंक मेरा रवैया डूइंग टू डू फूड स्टोरीज वो चेंज हो गया है। तो मुझे मैंने आज तक बटर चिकन पे एक भी स्टोरी नहीं की अनुभव, बिकॉज आपका एक मैंने वीडियो देखा था जो मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा इससे आगे मैं नहीं लिख सकती, तो मैंने उस पे स्टोरी नहीं की है। बट उसको छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी अदर थिंग जिसपे लोग कहते थे इसपे क्या स्टोरी करना, मैंने उस पे अटेम्प्ट पक्का किया है। वो सक्सेसफुल था नहीं था नहीं पता, बट काफी बार ऐसी ही चीजों में ना बहुत अच्छी कहानियां मिल जाती है, जैसे पूरी और आलू की स्टोरी या समोसे की स्टोरी जब मैंने कहा यहाँ शुरू किया, तो मैंने एक ही क्वेश्चन सबसे सभी शेफ से पूछा था कि आपको क्यों लगता है समोसा फेमस हुआ, आलू की वजह से या समोसे की वजह से। ट्रस्ट मी आज तक नहीं मिला, एंड दैट इज द फन साइड ऑफ इट आंसर्स, बट काफी शेफ्स को सुके एनालिटिकल थिंकिंग को सुनने का मौका मिला। मतलब बकायदा आप उसके ऊपर एक फोरम बैठा सकते हो कि जितने में दलीलें आई कि समोसा आलू की वजह से फेमस हुआ था या अपनी पट्टी के वजह से फेमस हुआ था, तो काफी दलीलें आई। बट हाँ, मतलब वो कहानियां भी चैलेंजिंग होती है, बट अगर आप मुझे आज भी पूछे तो वो रोटी की कहानी समथिंग आई विल मार्क आउट, क्योंकि मुझे जितने लोग कहते हैं ना ये स्टोरी नहीं होगा, तो वो मैं जानबूझ के करती। तो मैम, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं या स्टोरीज होती हैं, उसको कंपाइल करके एक किताब के शेप में लोगों को दिया जाए पढ़ने के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके ज्यादातर आर्टिकल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काफी हैं, जैसे bawarchi.com पे है, उसके बाद फिर एक दो वेबसाइट और भी देखा था, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है। तो ऐसा फ्यूचर में क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि उसको तब्दील करके किताब में पेश किया जाएगा? अनुभव, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे आर्टिकल्स एक जगह पे आ जाए जितना आप लोग पढ़ रहे हैं। कलिंगा स्टोरीज इसीलिए, विच इज माय इनिशिएटिव, जिसका अभी पॉपअप भी हुआ था इस साल मार्च में, उसमें यही कोशिश है कि ये सारे आर्टिकल्स एक जगह पे आ जाए। मैंने ऑनलाइन मीडियम इसलिए चूज किया है पढ़ने के लिए, बिकॉज इट इज द ओनली मीडियम विच हैज नो बाउंड्रीज। आप भी पढ़ सकते हो, कोई यूके अंटार्कटिका जहां पे भी इंटरनेट जाता है सभी पढ़ सकते हैं। किताब में आएगा या नहीं वो मुझे भी आज के डेट में पता नहीं है, बिकॉज माय आर्टिकल्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स यू डोंट हैव, अभी मुझे पता नहीं है, बिकॉज स्वराज्य के काफी आर्टिकल्स बिहाइंड पे वॉल चले गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस के चले गए हैं, इवन बावर्ची के भी चले जाएंगे कुछ महीनों में। तो मेरी यही अटेम्प्ट है कि अगर लोग पढ़ना चाहे दे कैन कम टू वन पर्टिकुलर प्लेस एंड रीड एवरीथिंग। बुक का कल्चर, अगर मेरे को इन स्टोरीज को कभी बढ़ाने का मौका मिले तब जाके एक बुक बनेगी।
अदरवाइज अगर वो अपने तरह से पूर्ण है तो शायद आपको वही पढ़ना पड़ेगा। बट हो सकता है कि 2022 तक कलिंगा स्टोरीज के सेगमेंट में आपको सारी स्टोरीज और एक्स्ट्रा स्टोरीज एक ही जगह पे मिलना शुरू करें। बिकॉज मेरा ये मानना है अनुभव कि अगर अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी चीजें कर रहे हो, अगर लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो अच्छी चीज का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे लिए मेरे आर्टिकल्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश होती हूँ जब उसमें बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे गए नहीं हो, मतलब कौन सी गुफा नहीं खोदी है आपने, वो पता चल जाता है। तो जानबूझ के ऑनलाइन स्पेस में ही रहने की कोशिश की है मैंने, और ऐसे स्पेसेस में रहने की कोशिश की है जहाँ पे पेवाल नहीं आया है। बिकॉज व्हेन यू राइट, व्हेन यू डॉक्यूमेंट, यू नीड पीपल टू सी इट, रीड इट, क्रिटिक इट ऑल्सो। मतलब जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो सकता है मेरे आर्टिकल में करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट बुक का ये है कि ए आई डोंट सी फ्री आर्टिकल को बुक में डालूंगी तो लोगों का फायदा क्या होगा। पहली बात, इंडियन हूं तो मैं भी क्यों खरीदूंगी अनुभव, अगर आपका मेरे को फ्री में अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अगर उसके चलते आई कैन डू समथिंग बेटर एंड देन कंपाइल इट इनटू अ बुक विच विल अगेन बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन डाउनलोडिंग, नॉट इन अ फिजिकल कॉपी, इज ओनली व्हेन आई कैन अपग्रेड इट। अगर मैं अपने आर्टिकल्स को रिफर्बिश करके उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल के, तब एक बुक शायद है। बट लाइक लॉट ऑफ पीपल से नेवर, पता नहीं कल को शायद आपके हाथ में एक बुक भी हो मेरी। तो मैम शुरुआत करते हैं कि पान ओरिजिनली कहाँ से हिंदुस्तानी है, या हिंदुस्तान में कहाँ से आया, और कैसे हमारे एक जो कहें आप फूड कल्चर का पार्ट बन गया। द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अनलेस एंड अंटिल आई हैव रिटन समथिंग डिफरेंट इन माई आर्टिकल, पान यहीं से है। कहते हैं पान बाकी कहीं से आया है, बट पान मेरे हिसाब से इंडिया का ही है। जैसे यहाँ पे चाय भी लोग कहते हैं कि चाय ब्रिटिश लेके आए थे, बट ब्रिटिश जो सैम्पलिंग लेके आए थे वो फेल हो गया था, तो उन्होंने यहीं पे ग्राफ्टिंग करनी शुरू की। तो पहली चाय हमारे यहाँ पे अपनी ही उगी थी, क्योंकि नागालैंड में और मेघालय में अगर आप जाए तो आज भी 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 6 इंच, 9 इंच के आपको चाय के पेड़ मिलेंगे, जिनको जंगली पेड़ कहते हैं। तो मैंने भी इस पे बहुत कोशिश की। अगर आपको मिस्टर पुष्पेश पंत से पता चल जाए कि एक्चुअली कहाँ से आया है, बाबा बोदान करके कोई था जो लेके आया है, मुझे बता दीजिएगा, मुझे इस पे कुछ नहीं मिला। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया बताया जाता है। मेरा मानना है कि पान वॉज एक्चुअली अ वीड विच वॉज डिस्कवर्ड, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें पान का बहुत इजी तरीका है, आप पान के पेड़ से कोई भी पोशन ग्राफ्ट कर लीजिए और उसे लगा दीजिए, पान उगना शुरू करेगा। जो तो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सॉइल, दे नीड अ टिपिकल क्लाइमेट एंड दे नीड अ टिपिकल सॉइल, एंड वो दोनों चीज उड़ीसा, बंगाल, असम में भर भर के मिलता है। बनारस वगैरह में सॉइल कंपोजिशन अक्सर हम लोगों का सेम रहता है। प्लस व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी प्ले विच हैपेंस। तो हमारे यहाँ पे जो पान उगता है वो थोड़ा कर्कश होता है, वो कलकतिया पान के आसपास का होता है। अगर आप ऊपर चलने शुरू कर दें तो पान टेंडर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो पक बहुत जल्दी जाता है। हमारे यहाँ पे पकता नहीं है, उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। एंड जो बनारसी पान है वो उसके लीव्स निकलने के कुछ हफ्तों में ही प्लक कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जितने भी मैंने पान वालों से बात किया है तो 4 से 5 हफ्ते रुकते हैं टू प्लक इट, और उसका जो बीच का सेंटर का दैट स्टेम इज देयर, उसको ध्यान से प्रेस किया जाता है टू नो अगर ये तैयार है या नहीं। तो तभी होता है, क्योंकि पान एक दिन में इतने छोटे पत्ते होते हैं, इतने से होते हैं, 3 डेज 4 डेज लेटर यू सी दे आर दिस बिग। एक्चुअली जी वो जैक इन द बीन स्टॉक का शायद बीन स्टॉक यही है। तो मेरे घर में 3 तरह के पान उगते हैं और अलग ही किस्म के उगते हैं। वन इज फ्रॉम केरला, वन इज फ्रॉम बनारस एंड वन इज फ्रॉम कलकत्ता। वो अपने ही स्टाइल से उगते हैं और अपने ही स्टाइल से खराब हो जाते हैं,
बिकॉज जब उसको प्लग करना होता है वी मिस इट आउट, वो हम मिस कर जाते हैं. एंड ये टेक्निक एक बहुत पर्टिकुलर कम्युनिटी को आती है और वही कम्युनिटी आगे चल के आपके पान वाले बने थे. तो आप जितने पान वाले कम्युनिटी देखते हो दे आर ऑल्सो द एक्चुअल पान लीफ ग्रोअर्स. और ये पान का जो जो लता है ये या तो एक पेपर के ट्री को लपटेगा या फिर ये एक स्पाइस ट्री को लपटेगा. इट इज नॉट लाइक यू कैन ग्रो पान एंड यू कैन ग्रो बीटल एंड बीटल बीटल नट एंड बीटल लीफ टुगेदर. सम स्ट्रेंज लॉजिक टू इट बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड. बट इसको और ये शेडेड होते हैं. अच्छे पान जो हमारे यहाँ पे माने जाते हैं वो शेड में ही उगते हैं. मच लाइक आवर कॉफी, शेड की जरूरत होती है उनको. क्लाइमेट उनको ह्यूमिडिटी वाला चाहिए जिसमें पंखा भी ना काम करे, बट वो शेड में उगेंगे. और वो हमेशा किसी ना किसी स्पाइस गार्डन में उगते हैं ज्यादा. तो हमारे यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छा पान खाना है तो हम मीठा पान कहते हैं, आप कोरापुट चले जाइए. कोरापुट में आपको बहुत अच्छे स्वाद का मिलेगा. अदरवाइज बनारस को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पान हैं अराउंड बनारस और वो बेल्ट को छोड़ के हमारे बाकी पान थोड़े इट इज नॉट एज सॉफ्ट, इट इज नॉट मेल्ट इन द माउथ. उसमें एक क्रंच है और उसी क्रंच में उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है. जितना ज्यादा वो उसमें क्रंच है उसी में उसका डाइजेस्टिव वैल्यू है. इट इज हाई ऑन ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट, इट इज हाई ऑन फाइबर, वेरी हाई ऑन फाइबर. इनफैक्ट पान का जो पीछे का पोर्शन है उसको अच्छे छोटे बच्चों के बम में घुसाया जाता है पेट साफ करने के लिए. तो इफ समबडी इज गोइंग थ्रू कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल तो हमारे यहाँ पे वो डंठल को तोड़ दिया जाता है एंड यू इंजेक्टेड तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, कैन पास ऑन. अगर आप महाराष्ट्र में चले जाए अगर वहां पे अजवाइन के पत्ते नहीं मिलते हैं तो ये पान के पीछे वाले को तेल में क्रश करके उस तेल को पेट में लगाया जाता है टू ब्रिंग डाउन द स्टमक एक. तो पान उस लेवल पे शुरू हुआ था. पान वॉज ऑल्सो यूज बिकॉज उसका हमारा डेंटल केयर जो है वो पान करता है. अगर पान में आप कत्था चूना नहीं लगाए तो आपका ब्रेथ वो रिपर्पज पान ही करता है. बिकॉज आप च्यू करते हो तो आपका जो सलाइवा है उसको रिफ्रेश वही कर जाता है. तो पान की शुरुआत ऐसे ही हुई थी ऊपर. ऑफकोर्स पान को हम भगवान का रूप मानते हैं, विष्णु का रूप मानते हैं कि पान से ही पूरा आया है. मैंगो को भी मानते हैं, भगवान का तो आराम से रूप दे देते हैं तभी पान हर जगह चढ़ता है. लक्ष्मी को भी पान होता है. इनफैक्ट रथ यात्रा में हम बोलते हैं कि रसगुल्ला गया और जगन्नाथ अंदर गए आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम रथ यात्रा. उनको बाहर खड़ा किया जाता है, विमला उनको बाहर खड़ा रखती है और बोलती है आप अंदर नहीं आ सकते हो. तो जगन्नाथ जी स्टार्ट सेंडिंग हर गिफ्ट्स. में से एक है जो बलदेव जी के मंदिर से आते हैं जिसको रसगुल्ला कहते हैं कि अंदर आने दो. रसगुल्ला के साथ क्या जाता है नोबडी टेल्स. रसगुल्ला के साथ जाता है पान. तो पान हमारे यहाँ पे बहुत पहले से अशोका के टाइम से भी पहले से उसके रोल्स अलग अलग हैं. पान इज नॉट गिवन ओनली एज अ च्यू. तो मुगल कोर्ट में आके इट बिकेम ओनली अ च्यू कि पान को पान की तरह खाया जाने लग गया. पान वॉज एवरीथिंग हमारे यहाँ पे. उड़ीसा वेस्ट बंगाल असम में तो मेकअप के लिए तक के लिए यूज किया जाता था. आपको लिपस्टिक थे नहीं, पान का इस्तेमाल होता था. पान और कत्था को मिला के कूट के उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था. और इट वाज द बेस्ट वे टू कीप योर माउथ ऑक्यूपाइड. हमारे यहाँ पे जब नई नवेली शादी करके आते हैं तो जब तक वो ससुराल में रहते हैं तो लड़की को बाकियों के साथ ही खाना खाना पड़ता है विच मीन्स अ वेरी लॉन्ग टाइम वेटिंग. तो उनको प्यार से पान की आदत दिलाई जाती है क्योंकि पान आपका वही काम करता है जो चाय और सिगरेट करता है विदाउट द नुकसान ऑफ सिगरेट. तो उनको धीरे धीरे दिया जाता है खाने को. तो पान की ओरिजिन जो है वो आपको हड़प्पा कल्चर से ही मिलना शुरू हो जाएगी. वो पहले इस्तेमाल उसका खाने में हुआ बिकॉज हम हर पत्ते को इस्तेमाल कर चुके थे खाना बनाने में.
फिर जब तक हमारी संहिता जाए, चरक संहिता हो, शुष्क संहिता हो, अथर्ववेदा हो, इनमें पान को बोला गया है कि द ओनली एंटीडोट यू नीड इन योर किचन फॉर ऑल काइंड ऑफ इम्बैलेंस इन द बॉडी, वो स्टमक से होता है. बिकॉज आयुर्वेदा में आपका स्टमक का हालत जो है वो आपके बॉडी के वेलनेस को डिस्क्राइब करता है. बिकॉज वहां मानते हैं कि जो विष्णु जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे विष्णु, ब्रह्मा और शिव बैठते हैं, जिसको आपको आज के डेट में वात कफ पित्त बोला जाता है, वो तो पान के ऊपर बैठते हैं. तो पान वॉज ऑलवेज प्राइज एज समथिंग विच कुड मेंटेन योर स्टमक. पान वॉज ऑल्सो अ डाइजेस्टिव, और तब जो डाइजेस्टिव के लिए वहां बनता था उसमें सौंफ डाला जाता था, मिश्री डाली जाती थी, गुड़ जब डाला जाता था, या फिर ऐसे चार पांच चीजों का मिश्रण डाला जाता था जो आप अदरवाइज खाने में या ऐसे नहीं खाएंगे. तो चूने और कत्थे का इस्तेमाल तो बहुत बाद में आया, जब वो पान को एलिवेट किया गया टू बिकम अ रॉयल ट्रीट. और उसमें भी हमारे ये जो संहिता, जो जिन लोगों ने हमारे चरक संहिता वगैरह लिखे हैं, वेद लिखे हैं, उन्हीं का रोल है. बिकॉज हर चीज जो आज हम खाते हैं अनलोइंगली नोइंगली, उन्होंने वही बिठा के दिया है कि आप खीर कब खाएंगे. खीर का पाचन शक्ति जो है, पेट का पाचन शक्ति जो है खीर को डाइजेस्ट करने का, वो सबसे अच्छा है. तो खीर आपको एंड में इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो झट से डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके पीछे आता है पान क्योंकि पान उसको एड कर जाता है डाइजेस्ट करने के लिए. पान खाने के बाद वो अंदर जब जाता है, पान एक लोटस की तरह हो जाता है, आपके पेट को संभाल लेता है. जब आपका पेट वर्क्स लाइक अ मशीन टू डाइजेस्ट एवरीथिंग, तो हमारे रसायन विद्या में जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, इज अ बिगर चैप्टर इन अथर्वेदा, उसमें पान को रखा गया है दो जगहों पे, एक सुबह एंड आफ्टर योर बिगेस्ट मील ऑफ द डे विच इज योर लंच, नॉट डिनर. बिकॉज डिनर हम बहुत जल्दी खाते थे, सूरज के उत्तरायण लेने से पहले हमारा डिनर हो जाता था. तो पान इन्हीं दो जगह पे है, सुबह इसलिए बिकॉज वह आपका जो रात का जितना भी बच गया होगा वो एक्यूमुलेट कर जाता है और वो बॉडी में लेता है और वो वहां से पुश आउट कर जाता है, इवन इफ आपने दांतुन का इस्तेमाल किया है. और जो खाने के बाद का पान बनता है वो बनता है प्योरली फॉर डाइजेशन, जहां से आपका मुखवास निकल के आया है वो डाइजेशन के लिए. तो इतने प्रॉपरली जब उन्होंने रखा और इसको उठा दिया उन्होंने रिलीजियस फंक्शंस में, तो आज के डेट में आप लक्ष्मी को भी पान देते हैं, आप जो गणेश चतुर्थी करते हैं तब भी पान लगता है, जब रथ यात्रा करते हैं तब भी पान लगता है, अभी जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी में भी पान लगता है. और वहां से हुआ पान की शुरुआत रॉयल्टी जाने को. बिकॉज हर रॉयल्टी ने आगे हम कहा कि हम तो भी भगवान के उत्तराधिकारी हैं इस जमीन पे. तो वहां से उसने शुरू किया पान. अब जब तक वो टेंपल तक सीमित था, कम्युनिटी टेंपल तक सीमित था, तब तक तो हमारा प्रोडक्शन था. जब वो पान रॉयल्टी में घुसने लग गया, देन द प्रोडक्शन हैड टू इंक्रीज. दैट इज व्हेन वी गॉट मगज, मलाई, बिहारी पान, उत्तरा पान, सारे पानों के वैरायटीज बनने लग गए हैं. इनफैक्ट दारा शिकोह को हम मानते हैं कि सबसे, दारा शिकोह का अगर फूड वर्ल्ड में मान्यता है, इट इज एज अ हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चरिस्ट. He has done the maximum grafting for mangoes, but very few people know he's also done grafting for palm. तो अकबर के और इन सब के फार्म में जितने मैंगोज थे, काफी हद तक दारा शिकोह ने ही किया है. उनकी बुक एक्चुअली पढ़ी जाती है इन मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी बिसा में भी उन्हीं के पद्धति को फॉलो किया जाता है. आपके अल्फांसो भी वैसे ही बने हैं. तो रॉयल्टी आई बिकॉज टेम्पल तक पहुंचा. और हर हर एरा में दे आर एटलीस्ट वन डायनेस्टी जो या तो अपने आप को चंद्रपुत्र कहते हैं, सूर्यपुत्र कहते हैं, धर्मपुत्र कहते हैं,
आम पुत्र कहते हैं, दैट इज हाउ आम पॉट इट्स इम्पोर्टेंट. आम्रपाली वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आम का इम्पोर्टेंस था. इट इज नॉट कॉमन, ये वर्ड का जो तुड़ाई है वो बाद में हुई है आम को कॉमन कहने की. आम वॉज अ डेजिग्नेशन. जैसे हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे उनको एक उपाधि मिली थी अधिकारी, और उसके साथ प्रिवी में हमें पान के कुछ छोटे से एकड़ लैंड मिला था जहाँ पे हम पान प्रोड्यूस कर सकते हैं. टेम्पल्स के बाद रॉयल्टी के पास आया, जिन और एक और वजह थी कि रॉयल्टी के पास आया क्योंकि रॉयल्टी में एक टाइम आता है जहाँ पे किंग्स एंड क्वीन स्टे बैक इन द पैलेस. तो आप जो फीस्ट के बारे में सुनते हो कि शाहजहाँ के 325 खाना बनाता है, दीज आर ऑल फीस्ट. रेगुलर खाने में उन्होंने आप और मेरे जैसे ही खाना खाना है, आप और मेरे जैसे ही तकलीफें भी होंगी, इनफैक्ट ज्यादा होंगी, बिकॉज उनको हर चीज अवेलेबल थी. तो उनको खिलाने का माध्यम पानी होता था. इनफैक्ट शाहजहां को भी खिलाने, जब उनको बोला गया ओपियम कम करो, वाइन पीना कम करो, तो पान को आगे बढ़ाया गया. ये सामने की बात है. पीछे की बात है कि पान आपको गजब तरह का आपका एक फूड ब्लिस बना के रखता है. हाउ नोबडी नोस, क्योंकि फूड ब्लिस बनाने की सीक्रेट तकनीक है कि उस खाने में फैट, स्वीट और सॉल्ट होना चाहिए, तभी आप जंक फूड खाते रहते हो. पान इज मेड टू हैव ऑल दैट डिफरेंट इमोशंस कमिंग आउट ऑफ इट, तभी आपको जर्दे वाला, सादा पान, मीठा पान, शाहजानी पान, ये सारे वर्जन्स बने उसके. बिकॉज पान वो केपेबिलिटी रखता है, क्योंकि आप काफी देर तक उसे च्यू करोगे और उसको रखने के लिए यू नीडेड मोर मटेरियल. तो इनिशियली जो पान के तत्वों को बढ़ाने के लिए जो मुखवास बनते थे, उसके अंदर जाने के लिए जो मिक्सर मारते थे, वो धीरे धीरे चेंज होने लग गए फॉर इमोशंस, एंड दैट इज वेयर पान बिकेम मोर प्लेजरेबल. और ये शुरुआत हुई किचन्स और ग्रैंड मदर्स के कॉर्नर से. तो पान फर्स्ट टुक इट्स पार एट होम्स. हमारे यहाँ पे पानदान का डिस्कवरी हुआ है सासू माँ के पास रहने के लिए. आपको हर जगह वो चाबी का गुच्छा नहीं मिलेगा एकता कपूर के सीरियल के साथ. हमारे यहाँ पे काफी बार पानदान पास ऑन होता है. जोधपुर में भी पानदान ही पास ऑन होता था, एंड जो फूड ब्लेस होता था वो काफी चीजों का केयर कर लेता था, आपकी क्रेविंग बंद कर देता था. व्हेन यू हैड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, इट यूज टू बी द च्यू, जो हम च्युइंगम आजकल खा लेते हैं वो पानी होता था. एंड पान हर क्लाइमेट में आपका पेट सुधारता जाता है, इसलिए पान वालों की एक टाइम पे उतनी ही वैल्यू थी जितनी वेद की थी, क्योंकि उसका अंदर का जो मसाला है वो खुद तैयार करेंगे. और पान इसलिए प्राइस आई मीन प्रीवी में मिलता था, जो पादिशाह बेगम थी उसको सबसे ज्यादा, जो फेवरेट थी उसको सेकेंड, जो क्वीन थी उसको थर्ड. तो अकबर की जो फेवरेट वाइफ थी, उसका नाम हीरा बाई है, जिसको हम अक्सर जोधा बोलते हैं, उनकी उनको एक साल, उनको सालाना 3 3 लाख पत्ते मिलते थे, विच इज द हाईएस्ट आफ्टर व्हाट नूरजहां, मेहरुनिसा यूज्ड टू गेट, नूरजहां यूज्ड टू गेट 5 लाख. तो ये तब आया बिकॉज वेद से, प्लेजर से लेके, और प्लस वो जो उनको मेकअप भी करना था, लिप्स को लाल करने थे, वो भी पान से ही होते थे. तो अगर आप फतेहपुर सीकरी आज के दिन में जाएं, तो आपको जहाँ पे आइस रखा जाता था उसके बगल में एक बहुत टूटा फूटा बट बहुत आलीशान तरीके से तैयार हुआ एक अंडरग्राउंड रूम मिलेगा, उसमें पान रहता. इट वॉज द मोस्ट प्योर प्लेस ऑफ फतेहपुर, क्योंकि वो ऐसी जगह थी, वो उसकी चाबी जिसके पास है उसके पास खुद रहता था. एंड द रीजन वॉज दिस कि आप पान देने के बाद यू कैन ऑल्टर योर मूड. फूड वर्ल्ड में इसको न्यूरो गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जो अक्सर खाने के साथ, चॉकलेट के साथ एसोसिएट होता है, वो इंडिया में पान के साथ. तभी हमारे पान वालों को तवज्जो दी जाती है, बिकॉज वो काम विदाउट नोइंग द साइंस आपको करके दिखा देते हैं.
और ये करने के लिए फिर इजाद हुआ। और ऐसा नहीं है कि मुगलों ने किया, रजिया सुल्तान भी 2 लाख पान के अपना अपना काफी सारा पैसा वो पान में लेती। तो दो ही चीज हमारे मिडिवल टाइम से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक दे वर रूलिंग और दे वर कंसिडर्ड प्राइसलेस। वन वाज पान, कुछ बहुत कम ग्रो होता था, गुड क्वालिटी बहुत कम मिलती थी। जानकार थे जो आपको वाइल्ड और रेडी पान के बीच में डिफरेंस बताएं या ग्राफ्टिंग करें, वो बहुत कम लोग थे। मसालची बहुत कम लोग थे। लखनऊ में आपको सिर्फ हजरत महल के आसपास मिलेगा मसालची, जो मसाले बनाते हैं। और फिर पान आपके मूड के हिसाब से तैयार करके आपको देना, वो लोग बहुत कम जानते थे। तो वो एक था। और दूसरा था सॉल्ट। आज के डेट में भी आप अगर अगर आपको सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट जोधपुर के ऊपर मिलेगा फ्रॉम ब्रिटिश गैजेट्री, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि सॉल्ट वाज अ मोड ऑफ पेमेंट। देयर आर पीपल हु हैव रिफ्यूज्ड टेकिंग मनी इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। और आप मुगल ले लो, गुप्ता पीरियड ले लो, चोरा चेरास आगे के और निकाल लो, वो सब लेते थे अपनी पेशगी इन पान। क्योंकि एक सड़े हुए पान के पत्ते को आप 1200 सरफी में बेच सकते थे अगर वो किंग ने आपको दिया है। और एक बीड़ा वॉज दिस बिग, थम्स अप की एक बॉटल साइज की, 1200 अशरफी। तो मैं अशरफी क्यों लूं, मैं पान ना लूं? तो पान हर किसी के पास है। आज के डेट में भी जो आप हैदराबाद चले जाएं तो जितने भी निजाम के लोग बच गए हैं या नवाब के लोग रह गए हैं, उनके बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो पान डिलीवर करते हैं, बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो मसालची हैं, जो मसाला बनाते हैं। तो पान का तवज्जो वहां है। तो फ्रॉम बीइंग अ ट्रीटमेंट टू बीइंग समथिंग विच वाज फाइन एग्जांपल ऑफ न्यूरो गैस्ट्रोनॉमी, कि आप पान दे के किसी को यू कैन मेक हर फॉल इन लव फॉर सम टाइम, यू कैन गिव हर फूड ब्लिस, यू कैन क्योर हर स्टमक, यू कैन सेट द अपेटाइट, या फिर उसको 150 डिशेस का खाना खिलाने के बाद भी एक फाइनल एहसास कि भाई क्या खाया है, वो पान ही दिला सकता है। आपने मतलब पान की मेडिसिनल वैल्यू, इनफैक्ट आपने अपने आर्टिकल में उसको मिरेकल लीफ कहा है कि और साथ साथ हमारे इंडियन रिचुअल्स जो हमारे विष्णु का रूप भी मानते हैं उसको पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे वो मंदिरों से कैसे रॉयल्टी में आया, फिर आम लोगों के घरों में भी आया। और पहले सबसे पहले मॉडर्न पे आऊँ मैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, मैं केरल गया था 2017 में, तो मैं वहाँ पे 13 दिन रहा। कोस्टल एरिया में साउथ से नॉर्थ मैंने ट्रेवल किया और वहाँ मुझे पान नहीं दिखा। एक वो रीजन मुझे दिखा कि जहाँ पे केरल साउथ में पान इज स्टिल अ वेरी रिचुअलिस्टिक थिंग, क्योंकि साउथ में ज्यादातर पान होते नहीं है। कुर्ग वगैरह कुन्नूर में कभी कभी मिल जाते हैं, बट पान इतना होता नहीं है। पान एंड समवेयर इन आंध्रा। पान हैज ऑलवेज ग्रोन अप समहाउ। आपको हिमाचल प्रदेश में पान मिल जाएगा, खाने जी लायक नहीं होगा, वो अलग बात है, कुकिंग हाँ करते हैं उसकी, बट वहां पे मिल जाएगा। पर पान बहुत कम जगह पे बनी है, बिकॉज बहुत कम जगह पे वो प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया है। मैं बता रही हूँ ना, हम 3 जगह से पौधे लाए हैं और तीनों में से सिर्फ एक पौधा ने काम किया है। हमको रीग्राफ्टिंग करनी पड़ी, जो मेरी मम्मी करती हैं, बिकॉज वो उनको उनको गार्डनिंग के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज है। फिर भी हमें खाने लायक पान नहीं मिला है। हमें मिला है पान जो पुराने जमाने में आप पान को थोड़ा उबाल के उसमें जिंजर क्लोव डाल के उसको पीसने के बाद उसमें हनी और थोड़ा पानी डाल के आपको देते थे टू क्लियर योर कंजेशन। वो उसके लिए है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि पान का जो तोड़ने का टाइम है वो मिस आउट हो जाता है लोगों से। तो पान सदियों से तोड़ रहे हैं, उन्हीं को पता है, या आप और मेरे बात सीखने की बात भी नहीं। जैसे जी महाराष्ट्र में टाड़ी, जो तो लोग नीरा टाड़ी निकालते हैं, उन्हीं को पता है कब नीरा बना कब टॉडी बना, वो बता देंगे। आपको और मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कितने देर में बनता है। और
और जो फ्रेश ताड़ी होती है उसको नीरा बनने में, उसके बाद टॉडी बनने में बहुत हाफ एन आवर के डिफरेंस में बन जाते हैं। जी, वो सिर्फ सूर्य मतलब सन रेज से वो फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वो नीरा से ताड़ी बन जाता है। तो वही मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि केरल में जब गया तो मुझे पान एक जगह मैंने खाई, और वो भी एक प्रचून की दुकान थी, मतलब वो पान की दुकान नहीं थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई यहाँ पान कहीं मिलता नहीं, उसने कहा पान का पत्ता ये लो, ये सुपारी दे दी, उसने चुना दिया अपने आप लगा के खा लो, मतलब उसने पान बना के नहीं दिया मुझे। नहीं, आपको असम में भी ऐसे ही मिलेगा। असम हाँ में वो जी तांबुल खाते हैं, बिकॉज वहां पे तांबुल बहुत आराम से मिल जाता है। तांबुल इज बीटल नट, डिफरेंट काइंड ऑफ बीटल नट, जिसमें बहुत नशा होता है। तो वो पान यूज करते हैं एज अ फॉइल टू इट, खाना उनको वही होता है। तो अगर आप वहां भी जाएंगे, उनके यहाँ पे भी पान का बहुत वैल्यू है, बट इट इज मोर एज अ गिफ्टिंग। जैसे आप किसी के घर खाने जाएं, तो आप जब जाएंगे तो आपको रिटर्न गिफ्ट में वो तांबुल देंगे पान के पत्ते के ऊपर। वहां पे बहुत कम लोग हैं जो पान बनाते हैं, सिर्फ गुवाहाटी में मिलेगा आपको पान खाने को, और उसके बाद शिलोंग में मिलेगा, बिकॉज दी द कैपिटल सिटीज। आप गाओ खेड़ों की तरफ निकल जाइए तो आपको नहीं मिलेगा। बट पान का जो लाइमलाइट है, ये इन्हीं जगहों पे है, राजस्थान, दिल्ली, यूपी एंड बंगाल, जहां जहां पे इंफ्लुएंसेस बहुत आए हैं वहीं पे है, बिकॉज यहीं पे पान की डिमांड थी और यहीं पे पान को इम्पोर्टेंस दिया गया था। आप केरल जाइए, केरल में आपको बहुत सारे ऐसे दवाइयां मिलेंगी जहाँ पान इज द बेस और पान जूस इज द बेस, बट वो खाने में नहीं आता। बट ये जो ऐसे जगह है जहाँ जिनके नाम मैंने लिए, यहाँ पे जो हमारे 5 वेदर्स हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट दिखते हैं। प्लस यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस हुए हैं, आपकी बहुत सारी डायनेस्टीज आई हैं, डायनेस्टीज थे, नए एरिस्टोक्रेसीज का भी है। तो दिस वाज द मेन सेंटर वे इंडिया मूव्ड। आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी काफी कुछ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पान का चलन काफी देर में पहुंचा, जहाँ के वजह से पहुंचा, इसलिए पहुंचा क्योंकि वो शालीमार में काफी दिनों तक रहे थे, पान खाती थी, और उनके एम्परर भी खाते थे, तो उसके लिए पान का चलन वहां भी मिलेगा। तो पान वहां वहां पहुंचा है जहाँ पे या तो पान वाली कम्युनिटी पहुंच गई है, या फिर ऐसी कोई डायनेस्टी पहुंच गई है जहाँ पे पान का महत्व है। और बाय द वे, पान का महत्व हमने पान को नहीं दिया है, पान का महत्व हमें पर्शिया से सीखने को मिला है। पहला पान का बीड़ा गुलबदन बेगम को मिला था, जो हुमायूं की बहन थी, इन पर्शिया, सॉरी बाबर की बहन थी, क्या बोल रही हूँ, बाबर की बहन थी इन पर्शिया, बिकॉज पान एक्सपोर्ट होते थे एंड दे वर वेरी हाईली प्राइज गिफ्ट। हमने जब ऑटोमन एम्पायर के साथ भी शाहजहां ने अपनी मुलाकात की थी, एक्सटेंड देयर टेरिटरी, तो उन्होंने एम्बेसडर के साथ काफी कुछ भेजा था, हैदराबाद से, मशोबरा से शॉल्स उठा के, चिनार के बॉक्सेस भेजे थे। तो द मोस्ट प्राइज थिंग व्हिच रीच देम, और सबसे मेहनत जिस पे लगी थी, वो थी पान के पत्ते में। और वो गया था यहाँ से बनारस, मगही गया था, और कलकत्ता एज एन आफ्टर थॉट गया था, बट वहां पे कलकत्ता पहुंचा। तो उसके बाद से द ट्रीटी वॉज, इट इज सेड दैट द ट्रीटी वॉज साइन की ऑटोमन एम्पायर इस तरफ नहीं आएगी और मुगलों को नहीं छेड़, दैट इज द वर्चू ऑफ पान। तो काफी जगह घूम के आ चुका है, बट रॉयल कोर्ट की, मुगल के रॉयल कोर्ट में जो चलन है बादशाह बेगम का या हरम का चलन है, वो काफी हद तक ईरान से ही इन्फ्लुएंस्ड है, पर्शिया और यहाँ से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमें जब उनको दिखाना था कि हमारा हरम अलग है और हमारे हरम के कायदे अलग है, तो पान को चूज किया गया, बिकॉज पान वॉज वेरी इंटीग्रल टू इंडिया, वो और कहीं नहीं मिलता था। तो अगर आप दिल्ली जाएं, अभी म्यूजियम जाएं, या ब्रिटिश म्यूजियम जाएं, या जोधपुर के म्यूजियम में जाएं, वन ऑफ द मोस्ट प्राइज थिंग जो आपको आज भी मिल जाएगा, सिंधिया पैलेस में भी मिल जाएगा, इस पान का वो बक्सा, पानदान का बक्सा। मेरी बहन ने पानदान के बक्से के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, अनुभव, आपको वो भेज देंगे। प्लीज 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 भेजिएगा।
और अभी आप जैसे रेफरेंस दे रहे थे कि असम में तांबुल खाया जाता है, वैसे ही मेघालय में क्वाय खाते हैं। वो भी मैं जब गया था मेघालय, तो वहाँ पे जो पहले जिस पहले होस्ट के घर गया मैं, तो उन्होंने हमें खिलाया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ ये जो पान है, सिर्फ एक जैसे आपने बताया मेडिसिनल वैल्यू है, साथ में एक लोग शौक के लिए भी खाते हैं, एक कल्चर का भी पार्ट है, बहुत बहुत बड़ा पार्ट है। बड़ा पार्ट है कि लोग मतलब अपने घर पे मेहमान आते हैं तो उनको ऑफर करते हैं, और उस तरीके से भी पान को देखा जाता है। और इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं हमारे इंसान में होता है कि चाय और पान साथ में एसोसिएट करते हैं, कि चाय पिया, घर पे कोई आया तो चाय ऑफर किया, उसके बाद फिर पान खिलाया। और ये चीज आगे चल के अब हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी काफी जगह ऐसा होने लगा है कि एज अ माउथ फ्रेशनर, जैसे दिल्ली में एक अब तो नहीं रहा वो मद्रास होटल होता था कनॉट प्लेस में, तो उनके यहाँ पे भी काउंटर पे पान होता था जिसमें कोकोनट डाल के वो देते थे। मुझे याद है कि हमेशा निकलते समय वहां से पान खा के निकलते थे। तो और पान अब जो रिसेंट डेज में देखा है मैंने, काफी इवॉल्व हो रहा है। अब पान के भी बहुत सारे नए मतलब आपके अवतार हो गए हैं पान के। और जैसे सिंपल एक पान होता था जिसमें कत्था चूना सुपारी लगाई, उसके बाद कई जगहों पे तंबाकू किमाम, और तंबाकू के भी अलग अलग नंबर्स हैं, 120, 00, 000। तो मतलब उसके बाद फिर अब पान एक अलग तरीके में पिछले 10 सालों में, खासकर मैंने दिल्ली में देखा है कि अलग अलग वेरिएशंस आ गए हैं, जैसे फायर पान आ गया, चॉकलेट पान आ गया, मैंगो पान आ गया। और कनॉट प्लेस में ही एक पंचायत पान वाला है जो कहता है, वो क्लेम करता है कि वो इंडिया का फर्स्ट पान पार्लर है, और मॉडर्न जो टेक्स है उसमें करता है। मैं अभी पीछे सोनीपत गया हुआ था, मैं सोनीपत में जो वहीं पे एक पान के दुकान पे गया, उसका नाम था सहगल पान वाले, तो उनसे बातचीत हुई, बात करते करते वो उनकी आंखें भर सी आई, उन्होंने कहा अब बेटा वो बात नहीं रही, जो 15-20 साल पहले जो हमारा काम था पान का। तो मैंने पूछा क्यों, अभी भी तो लोग पान खाते हैं? कह रहे कि उनके यहाँ सिर्फ मतलब सिंपल तरीके का पान मिलता है। तो उन्होंने बताया कि मैं जो अब की जनरेशन है वो उसको पान में उतना इंटरेस्ट रहा नहीं, अब वो जो क्या बन गया है कि जैसे बताया कि फायर पान खाना, या फिर उसमें चॉकलेट मैंगो अलग अलग फ्लेवर सिरप्स डाल के खूब सारा गुलकंद, और कई जगहों तो मैं उस पान को पान बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि वो एक गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, लेकिन वो पान का स्वाद ही नहीं आता खाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं उससे अपने आप को जैसे बाकी दुकानों ने किया, मैं वैसा हो रख नहीं पाया अपने आप को। तो मेरा जो काम है उससे बहुत सफर हुआ, और आज ये कि सिर्फ गिने चुने लोग सोनीपत के आते हैं जो पुराने कस्टमर्स हैं, लेकिन नए कस्टमर क्यों उनके पास नहीं आते, क्योंकि वो वैसा नहीं कर पाए जैसा बाकी लोगों ने किया। तो ऐसे इतना लंबा बोला कहानी था कि आपने अपने जब रिसर्च में जो आपने स्टोरी की, तो ऐसे कोई रेफरेंसेस आए अलग अलग तरीके के पान के हिंदुस्तान में? बहुत सारे आए, बट वो सारे जैसे कहा ना कि पिछले 10-15 सालों में आए हैं ऑप्शंस, तो सवाई अदरवाइज पान बहुत कम तरह के होते थे। सादा पान होता था, मीठा पान होता था, जर्दा पान होता था, और एक होता था फूटा हुआ पान, फूटा हुआ पान, जिनके हाँ जिनके दांत नहीं है उनके लिए कूट के देते थे ताकि अच्छा आप घर फूटा में ना हुआ, घूमे, फूटा फूटा हुआ पान। हुआ पान। तो हम तो इतने ही में हुए हैं, इसके वर्जन होते थे कि ये जो आपको है इसमें जर्दा कौन सा चाहिए, क्योंकि कत्था चूना एक पान वाला अपने आप ही बनाता है, वो कहीं से लाता नहीं। तो इसमें क्या क्या वेरिएशन चाहिए आपको, केवड़ा चाहिए आपको, इलायची चाहिए आपको, बड़ी इलायची या छोटी इलायची चाहिए आपको, सिनेमन चाहिए, ये सब वेरिएशन होते थे डिपेंडिंग अपॉन कि आप पान खाने किस मूड में गए। और पत्तों के 4-5 वेरिएशन होते थे जिसमें कलकतिया, मगई, बनारसी तीन मेन होते थे और तीन लोकल होते थे। बट आज के दिन में तो अनुभव इतने सारे पान हैं, पान कम आइसक्रीम पार्लर ज्यादा दिखता है मुझे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं एक आग वाला पान भी है आप, जो फायर मुंह पान। में घुसा हो तो पता नहीं कैसा लगता है, मैंने आज तक खाया नहीं है, बट ऐसे बहुत रेफरेंस आए हैं। बट जितने पुराने लोग हैं, जैसे मुच्छड़ वाला है बॉम्बे का जो बहुत माना जाता है, उसके आज भी बेस्ट सेलर्स वही क्लासिक्स ही हैं। जिग्स कालरा ने अपने लाइफ में पान को तो पान बहुत पसंद था, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पान के साथ, आपकी पान की कुल्फी को रिवाइव करने की कोशिश की है,
और पान के हलवे को रिवाइव करने की कोशिश की है, गिल्लौरी को करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो दिल्ली में रेड फोर्ट में खाया जाता था और वो नवाबों तक भी पहुंचा और लखनऊ भी पहुंचा, उसे गिल्लौरी कहते थे। जो अपने तरह का, जो मैं आपको कह रही हूँ न्यूरो गैस्ट्रोनॉमी, वो उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पे हर चीज चुन के डाली गई है और एक वजह से है। और वो पान, मतलब उस पान को लेके आज भी लखनऊ के कोठे वगैरह में बोला जाता है कि गाय का अच्छी तभी मानी जाती थी अगर वो गिल्लौरी खाए और आप यहाँ से उसको उतरते देखें। सुंदरता की यही परिभाषा थी। अभी यहाँ से उतरते मैं नहीं जानती हूँ, बट यहाँ होते देखा है मैंने गिल्लौरी को। तो अगर आप कोठों और मतलब लखनऊ नहीं, दिल्ली के कोठे, कलकत्ता के कोठे, इन सब में भी जाइए तो हमारे पान खाने की तहजीब जो है वो वहीं डेवलप होगी। क्योंकि हमारे जो महारानियां खाती थी, या फिर अगर आप मुगलों का भी देखें, वो जो खाते थे वो बहुत साधारण पान थे, वो पान टू फंक्शन। अगर उनको, अगर बादशाह आपके कमरे में आ जा रहे हैं तो आपको एक सर्टन टाइप का पान चाहिए, वो पान का डिपार्टमेंट बना के भेजेगा आपको। अपना लगा के अपने स्टाइल से बनाना, ये हमारे देवदासियों का और जो कॉटेजन्स थे और तवाइफ थे उनकी देन है। इनफैक्ट इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद पान, मिठाई, कबाब खाता है, ये इन लोगों की देन है। ये इसमें रॉयल्टी का कोई हक नहीं। तहजीब और अदब दोनों ही इन घरानों से आई है हमारे पास। ये कभी हुआ करते थे, बट पान को आज के डेट में जो हम जिसको पान बोलते हैं, जो आप और मैं खाना पसंद करते हैं, और पानदान का पूरा चलन, द मोस्ट लैविश हैज कम फ्रॉम हुसैनी बेगम्स एंड समारू बेगम्स कोठी, बोथ वर कोटिज़न। सबसे लैविश पानदान जो होता था। अदरवाइज पानदान जो अकॉर्डिंग टू माय सिस्टर्स आर्टिकल, क्योंकि उन्होंने इस पे रिसर्च किया है, तो अगर आप मुगलों के पानदान देखें, दे आर वेरी फंक्शनल। मतलब पानदान में बहुत कुछ छुप सकता था, जेम्स, लेटर्स, मतलब किसी को कुछ नहीं दिखाना है तो पानदान। इन पानदान वर पावर प्लेस, उसके पास वो पूरा पानदान है। इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द हरब, और हरब में जो पावरफुल है वो किंगडम का ही में भी पावरफुल है। तो पान का जो है, इसमें शायद मैं ये लिखना भूल गई हूँ, बट हमारे जो डांसर्स हैं उनका बहुत बड़ा चलन है। तो जब हमारे डांसर्स को गिराया गया, या देवदासियों को गिराया गया बाय कॉलिंग देम नॉच गर्ल्स, के साथ एक चीज बहुत बड़ी जो सफर हुई है वो यही सब चीजें सफर हुई है कि अदब और तहजीब और खाने खिलाने का अंदाज जो उनके पास था हमारा, वो बहुत हद तक तहस नहस हो गया है। आप क्योंकि बॉलीवुड पे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं आपको तीन फिल्मों के नाम देती हूँ जो आप सर देख सकते हैं। एक है पाकीज़ा। पाकिजा में काफी हद तक जो पान बनाने की तकनीक है, और पुराने जमाने के जो कोठों के आसपास जो फूड अरीना हुआ करता था वो बकायदा दिखाया गया है। उसका है शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें दोनों नायकों के बीच में पानदान रखा हुआ है और एक बार पान लगता भी है, तो आप वो पान देख सकते हैं कैसे लगता है। और तीसरा है अमराव जान, ऐश्वर्या राय वाली नहीं, रेखा वाली, जिसमें मुजफ्फर अली के घर के खुद के पानदान को इस्तेमाल किया गया है और उन्हीं का तरीका इस्तेमाल किया गया है। जब उमराव जान को कोठे में बेचने गए थे, कोठे की मालकिन थी, वो पानी लगा रही होती है। तो दीज आर ऑल वेरी रियल फैक्चुअल पिक्चराइजेशन। उसके बाद जो तो पान का पिक्चराइजेशन हुआ है, उसमें ना आपको स्टोरी मिलेगी ना एसेंस मिलेगा। तो यही तीन हैं जहां से, इनफैक्ट यही तीन ऐसे ही पीरियड ड्रामा में बहुत हद तक हमारा कल्चर भी छुपा हुआ है इन लोगों के ऊपर। इनफैक्ट आम्रपाली में भी देर इज अ सीन जहाँ पे वैजयंती माला को डांस के लिए एक और बार चैलेंज किया गया था, तब भी पान का सीन है। तो आप अगर ये सब देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि पान बहुत जो बनता था तो बहुत फंक्शनल पान होता था, बट उसको एलैबोरेट, उसको गौरमे किया हमारे एंटरटेनर्स ने, जिनको हम
अक्सर तवाइफ कहते थे या कोर्टिजन्स कहते थे, और दोनों में डिफरेंस है। तवाइफ में डिफरेंस है, कोर्टिजन में डिफरेंस है, और एक देवदासी अलग है, ये नॉचकल्स नहीं है जो ब्रिटिशर्स बुलाते थे। तो ये सब डिजाइन उन्होंने किया। इनफैक्ट ये पूरी तहजीब जो हम लखनऊ को एट्रीब्यूट कर देते हैं, ये पूरी तहजीब ही हमारे कॉर्टिजन्स की देन है। ये रॉयल्टी से नहीं निकल गया, ये रॉयल्टी में जितना भी फैशन आप देख रहे हो उसको आज के डेट में हम मानते हैं कि हाँ नूरजहाँ ने ये सेटअप किया था। नूरजहाँ ने इसलिए सेटअप किया था बिकॉज वो ऐसे इलाके से आई थी जहाँ से वो ये सब एक्सपोजर लेके आई थी, और हरम का काफी बड़ा हिस्सा एटलीस्ट फतेहपुर सीकरी और रेड फोर्ट में जाता है टू अ सेगमेंट जहाँ पे ये एंटरटेनर्स रहते हैं, एंड दे आर वेरी पॉलिटिकली अवेयर। हमारे जो डिप्लोमेसी के लोग थे, अम्रपाली वॉज आर डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हु कुड गो टू अ डिफरेंट कंट्री। देवदासीज भी वो आर डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, और कल्चर यहाँ से डेवलप हुआ है। कल्चर हैज बीन ओनली क्वींस एंड दीज पीपल। राजाओं का बहुत कम योगदान है अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी। अगर आप साउथ में भी देखें, आपके जितने टेम्पल्स हैं सभी रानियों ने बनाया है। और जो नाट्य मंडप है और नाट्य मंडप का जो डिजाइन है वो देवदासियों ने बनाया है। इनफैक्ट उड़ीसा में एक ऐसा टाइम था जहाँ पे अगर आप सबसे बड़े लेखक भी होने पे या पोएट भी होने पे, आपके पोएट पोएम को कोई नहीं पहचानेगा जब तक एक देवदासी नॉर्थ में तवायफ आपके गानों को ना गाए। आपके गानों को जब तक आप नहीं गाएंगे, और उन्होंने किया, और हमारे इंडिपेंडेंस टाइम में भी इन्हीं का योगदान है कि लड्डू से लेके पान से लेके एवरीथिंग बिकम केम सच अ बिग सिंबल ऑफ यूनिटी। क्योंकि आज भी अगर आप शुभा मुद्गल के गाने सुने, जो उन्होंने सारे इंडिपेंडेंस टाइम के गानों को चुन के किया है, सबसे ज्यादा गायकी इन्हीं लोगों ने किया है। जो हमारे हमारे हिस्ट्री में तवायफ है वो तो गलती से नौचकल बोला गया है, वो नौचकल नहीं थे, वो लोग थे जिन्होंने कल्चर सेटअप किया हमारे। तो पान में सबसे बड़ा योगदान उनका था, पान को लैविश बनाना उनका था। हमको रॉयल्टी ने सिर्फ गिल्लौरी दी थी, विच वॉज द फाइनेस्ट शोकेस। जैसे गोलगप्पा है या फिर राज कचौरी है, विच इज द फाइनेस्ट शोकेस ऑफ व्हाट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ चार्ट। और नन ऑफ दिस हैज कम फ्रॉम रॉयल पैलेस। तो मतलब मैं ऐसा देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि पहले टेम्पल्स, फिर रॉयल्टी, उसके बाद फिर कॉमनर्स के पास पहुंचा ये। कॉमनर्स के पास था, बट जो पान आप और मैं खाते हैं ना, मतलब हमारे लिमिटेड क्लासिक्स में भी जितनी वैरायटी है, जितने तरह से बनता है, वो उनका दामोदर काफी हद तक तवाइयों के पास जाता है। बिकॉज उन्होंने समझा कि पान खाने से आप एक मौसीकी का कितना लुत्फ़ उठा सकते हो। वो आप कभी अगर लखनऊ जाए या कलकत्ता जाए और आप मौसीकी मतलब ट्रेडिशनल मौसीकी में जाए, आपको एक तरह का पान दिया जाएगा। वो पान और कहीं नहीं तैयार हो, वो पान धीरे, एक तो आप सडनली नहीं चबा पाएंगे, वो बहुत बड़ा है, एंड वो धीरे धीरे चबाएंगे, और उसमें इतनी सारी खुशबुएं भर रखी होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस कि वो आप धीरे धीरे चबाएंगे एंड सडनली इट ऑल बिकम्स एन एक्सपीरियंस। मैं वो कह रही हूँ कि वो हिस्सा हम भूल जाते हैं जो हमें तवायफों के, जो हमें घराना और कोठों ने दिया है। म्यूजिक भी उन्होंने दिया है, डांस भी उन्होंने दिया है, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं स्पेशली पान उन्होंने ही दिया है। मैं इसलिए अनुभव, आई डिडंट वांट टू स्पीक ऑन बॉलीवुड बिकॉज आई जनरली ट्रैक पीपल डाउन टू एन एरा वेयर फिल्म्स वर मेड विद अ लॉट ऑफ रिसर्च। हालांकि पान बोलो तो सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही याद आता है, खाए के पान बना रसी वाला, बट जी, दैट सॉन्ग हैज नथिंग टू डू विद आवर लेगेसी ऑफ पान। अच्छा मैम, आपने अभी रेफरेंस किया दिया जिक्स कालरा का, और उन्होंने किस तरह से पान से कुछ चीजें बनाई। और तो हमारे इंडियन क्विजीन में किस तरह से पान को इस्तेमाल किया गया है? एक तो ये रहा जिससे बताया आपने, सादा पान और अलग अलग तरह के पान बनते थे, लेकिन क्या हम लोग ने इसको अपने खान पान में भी इस्तेमाल किया है, खाने में भी इस्तेमाल किया है, कैसी कोई डिशेज, या फिर और साथ साथ
किया भी है तो उसका क्या हमारे मॉडर्न डे में क्या हम उसको इस्तेमाल करते हैं अभी भी? ये क्वेश्चन का आंसर मैं अनुभव में ठीक से नहीं दे पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज मैंने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग यूज तो देखा नहीं है पान का. मैक्सिमम मैंने उनके हलवा और एज एन एसेंस यूज होते देखा है, वन ऑफ द ओरिजिनल फ्लेवर्स देखा है, विच आर मोर इफेक्टिव. उसके बाद पान के ऊपर बहुत सारे मॉलिकुलर गैस्ट्रोनॉमी के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट नन ऑफ देम हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. मतलब वो 1 साल तक इट वाज प्रोमिनेंट एंड देन पीपल कुड पुश इट. तो वही कुल्फी है, हमारे मिठाइयां हैं, वहीं तक ही मेरे हिसाब से सीमित हो गया है पान का कल्नरी जर्नी जो अभी है शेफ्स के साथ. जी इफ देयर इज सम शेफ हु इज डूइंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क विद पान, मेरे अभी नॉलेज में नहीं है. आई एम श्योर समवेयर समबडी मस्ट बी डूइंग समथिंग, बट पान का क्लासिक यूसेज ऑफ एज अ पोस्ट मील च्यू इज व्हाट हैज रिमेन्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पैक्टफुल कनेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, आपको सबसे अच्छा पान आपने कहाँ खाया है, या आपको किस तरह का पान पसंद है? मीठा पान, पान सारे ही मुझे पसंद है, पर मीठा पान बिना बिना सुपारी के. और मैं थोड़ी बायस्ड हूँ कलकत्तिया पान के तरफ, क्योंकि वो मुंह में काफी देर तक रहता है. थैंक यू मैम, इतना अपना समय देने के लिए बहुत अच्छा लगा। और हमने सोचा था कि छोटी सी बातचीत सिर्फ पान पे होगी, लेकिन आपके राइटिंग्स पे बहुत सारी हमने अच्छी खासी बातचीत की, और फिर पान का भी आपने बहुत सी स्टोरी बताई, पूरी हिस्ट्री और कैसे उसके यूजेज हैं, किस तरह के पान मिलते हैं हिंदुस्तान में। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अविनाश, सॉरी अनुभव, आई एम कोई अनुभव. कोई बात नहीं, मुझे मुझे बहुत लोग अभिनव बोलते हैं, कुछ लोग अनवर बोल देते हैं, कुछ लोग अनुभव बोलते हैं, मैंने कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है। नहीं, आप मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं, तो एटलीस्ट नाम थैंक तो ठीक होना चाहिए मेरे तरफ यू, से. थैंक यू, चलिए थैंक यू। ओके अनुभव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, एंड नेक्स्ट टाइम उड़ीसा आए तो बताएं अब जरूर. बिल्कुल, आप भी दिल्ली हैं, आपने कहा था कि खारी बावली आप शायद नहीं गए, नहीं तो मैं आपको जरूर, मतलब मेरे इट विल बी एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके लिए एक फूड वॉक करूं पुरानी दिल्ली का, और जरूर आपको खारी बावली में भी एक छोटा सा फूड, वहां पे भी स्पाइस टूर कर सकते हैं हम लोग, और आपको वहां बिल्कुल, का। नेक्स्ट टाइम कलिंगा स्टोरीज इज कमिंग विद अ पॉपअप, आप हमारे पॉपअप में आइए खाना खाने के लिए. इस बार आई डोंट थिंक यू आर अराउंड बिकॉज़ आई ट्राइड मेकिंग अ मैसेज रीच टू यू फॉर अ पॉपअप व्हिच हैपेंड इन मार्च. तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी आए प्लीज आए खाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिकॉज बताएंगे। हमारे सारे थालियों के पीछे कहानियां होती हैं, और हमारी टीम आपको कहानी बताएंगी, तो आपके पास बहुत भंडारा हो जाएगा कहानी का. डन एंड मैं डेफिनेटली आपके साथ चलूंगी खरीब आप. थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक सो मच, थैंक यू। यू. बाय।